कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक किसी भी दिन भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न होता है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि माता तुलसी कौन है और क्यों उनका विवाह भगवान के साथ होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं वो रोचक कथा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव के क्रोध से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। अपनी सत्ता के मद में चूर जलंधर ने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर आ गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर जलंधर माता पार्वती के पास गया, लेकिन माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्धान हो गई। जलंधर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। देवताओं ने कई बार उसका वध करने का प्रयास किया, लेकिन जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। ऐसे में जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करना बहुत जरूरी था। वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। इसके बाद भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि के वेश में विष्णु ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धर से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर भने भगवान के साथ वृंदा पत्नी की तरह व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। तब से ही शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा चली आ रही है। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। तुलसी का पूजन गंगा और नर्मदा के जल में स्नान के बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहे तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं।